नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ईस्ट फेसिंग हाउसेस। आज ईस्ट फेसिंग के हम आपको कुछ वास्तु टिप्स बताएंगे, कैसा हो कैसा ना हो इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहली चीज़ आती है दोस्तों, ईस्ट फेसिंग मकान होते कौन से हैं। जब भी आप अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं, जिस साइड आपका फेस होता है, जब आप मेन डोर से बाहर निकले उस जिस साइड भी आपका फेस होगा वो फेसिंग होती है दोस्तों आपके मकान की। अगर घर से बाहर निकलते समय आपका फेस ईस्ट की तरफ है, राइजिंग सन की तरफ है, इट मींस आपका मकान ईस्ट फेसिंग है। अगर आप उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ मुंह करके निकल रहे हैं घर से बाहर, तो उसका मतलब होता है दोस्तों कि आपका मकान नॉर्थ फेसिंग है, उत्तर दिशा की तरफ आपके घर का फेसिंग है। अब दोस्तों ईस्ट फेसिंग मकान में सबसे पहली चीज़ आपको जो गौर करनी है वो करना है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपका कोई भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी टॉयलेट उस दिशा में आ रहा है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आ रहा है, वो घर के मेल चाइल्ड को हार्म करता है। उस घर में जो भी मेल चाइल्ड होगा वो एबनॉर्मल हो सकता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरीके का कोई क्लटर नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा है ईस्ट फेसिंग मकान में आम तौर पे नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं एक डस्टबिन रखा होता है, गार्बेज बिन रखा होता है, तो वो बहुत ही गलत होता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। उसका ध्यान करें, वो नॉर्थ ईस्ट में ना हो। दोस्तों हमें ट्राई करना चाहिए कि मॉर्निंग के टाइम, सुबह के टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा ईस्ट के अपने जो डोर्स और विंडोज़ हैं उनको ओपन करें, जिससे कि सनरेज आपके घर में अंदर आ सकें और जो भी आपके घर में हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं उनको ख़त्म कर सकें, जिससे कि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। वास्तु में बताया गया है कि जो भी लोग ईस्ट फेसिंग मकान में रहते हैं वो बहुत ही हेल्दी रहते हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? यही लॉजिक है दोस्तों इसके पीछे कि ईस्ट फेसिंग मकान में सुबह सुबह की जो मॉर्निंग सनरेज आपकी आएंगी वो आपके घर में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स प्रेजेंट हैं उनको ख़त्म करती हैं, जो कि आपको एक हेल्दी लाइफ जीने में मदद करता है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, मेन गेट। हमारे घर में ईस्ट फेसिंग मकान हमारा है, उस घर में मेन गेट कहाँ पे होना चाहिए दोस्तों? मेन गेट पद नंबर 3rd और 4th पे आना चाहिए। 9 इक्वल पार्ट्स में हम अपने एक ईस्ट डायरेक्शन को डिवाइड करेंगे, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर तक, और उसमें पद नंबर 3rd और 4th पे आप अपना मेन डोर बना सकते हैं। वास्तु के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होते हैं दोस्तों। दोस्तों ईस्ट फेसिंग अगर मकान है आपका, तो ध्यान करिए कि आपके घर में जो मैक्सिमम ओपनिंग आप करें वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ हो, कम से कम खुली जगह आप छोड़ें साउथ और वेस्ट की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, अंडरग्राउंड वाटर टैंक का। दोस्तों अगर आपके पास ईस्ट फेसिंग मकान है तो बहुत अच्छी बेस्ट पोजीशन जो बनती है आपके घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने की, वो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ये सबसे अच्छी वास्तु में दिशा मानी गई है अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए दोस्तों। लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों, मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम आपका घर दोस्तों किसी भी फेसिंग हो, मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, साउथ वेस्ट कॉर्नर में आएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।